मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की में अगर गिरती ग्रोथ रेट किसी स्पीड ब्रेकर की तरह है तो सड़क पर खराब रास्ते आपकी मंजिल के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। एक अदब सड़क की दरकार हर शहर को है जहां सफर में झटके ना मिले, और ऐसी ही कोशिश को कामयाब किया है पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ने, जिसने साकार किया है इको फ्रेंडली सड़क का सपना। कच्ची सड़क और खराब रास्तों से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उनके इलाके की सड़कों में गड्ढे नहीं पड़ा करेंगे और ना बारिश का पानी भरा करेगा। दरअसल पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने बेकार पड़े रबर का इस्तेमाल करते हुए एक नया रास्ता तैयार किया है, जो कि कम लागत, ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारा जो टेक्नोलॉजी हमने तैयार किया है, तो उसके बारे में हमने हमारा मिडिल सेंट डिपार्टमेंट को बताया कि आपने जो किया है आर्मी के लिए, आप उसको सिविलियन रोड कंस्ट्रक्शन का रिपेयर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप बताओ। तो ये टीम ने जहां भी हो सकता है उन्होंने कोशिश किया कि कम समय में, कम पैसे में ये रोड कैसा अच्छा बन सकता है। अमूमन एक या दो बारिशों के बाद सड़कें खराब हो जाती हैं, तो वहीं प्लास्टिक और रबड़ पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। लेकिन इन्हीं प्लास्टिक और खराब रबड़ से एक फॉर्मूला तैयार हुआ है जो कि नई सड़क का पता देता है। लंबे समय तक रिसर्च और दिन रात की मेहनत इस टीम ने पुरानी रबड़ और ट्यूब्स की सहायता से रोड तैयार की, जिसमें कोलतार से बनने वाली रोड के मुकाबले प्रति किलोमीटर लगभग 1 लाख रुपए की बचत हुई। खास बात ये है कि इस रोड का तापमान -20 से 30 डिग्री बताया जा रहा है। देश में पेटेंट होने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए भी दाखिल किया गया है। एडवांटेज इसमें क्या है कि लाइक द मेन थिंग कॉस्ट रिडक्शन कम हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम है, एंड हमने बहुत ये श्रेडेड रबर्स यूज कर रहे हैं, एंड उसके साथ जो कंपोनेंट्स जो ऐड कर रहे हैं दे आर ऑल वेरी यूजर इको फ्रेंडली कंपोनेंट्स है। DIAT की पूरी टीम ने छोटे गांव तक इस रास्ते को पहुंचाकर एक सपने को साकार किया है जो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसे हकीकत में कब तब्दील करती है। इस समय पुणे से प्रतिभा चंद्रन।